नमस्कार, आओ शांति मार्ग पर चले। आचार्य शांति सागर जी महाराज के बताए शांति मार्ग के सुझाए जीवन सूत्र और उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं पर आधारित हमारी ये वैचारिक श्रृंखला एक प्रयास है, एक अभियान है। चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज को समझने का, उनकी घटनाओं को जन जन तक पहुंचाने का, उनके संदेशों को युवाओं तक पहुंचाने का। श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और दिगंबर जैन मुनि परंपरा के हमारे समस्त आचार्यों, हमारी समस्त मुनिवर एवं समस्त आर्यिका माताजी को बारंबार नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। आचार्य शांति सागर जी के बचपन का नाम सातकोड़ा पाटिल था। दरअसल सातकोड़ा को जाने बिना आचार्य शांति सागर जी महाराज के बताए मार्गों को जानना, समझना और उनके चिंतन को समझना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। शांति मार्ग पर चले, आओ शांति मार्ग पर चले। आचार्य श्री बाल्यकाल से ही धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखते थे। वे धर्म मार्ग पर बाल्यकाल से ही चल चुके थे। उनके अंतर वो बीज, वो ख्याल, वो विचार, वो सोच अंकुरित हो चुकी थी जो एक धर्म अनुयायी के अंदर होती है, ना सिर्फ अनुयायी के अंदर, जो एक धार्मिक संत के अंदर होती है। वो ऐसी भावना को अपने साथ लिए आगे बढ़ रहे थे। यदि आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाल्यकाल के विभिन्न पहलुओं पर गौर करें तो एक बात मूल रूप से समझ में आती है कि वो कहते नहीं थे, वो करते थे। वो अपने करने से, अपनी घटनाओं से भविष्य के संकेत देते थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ऐसे कार्यों को, ऐसी क्रियाओं को, ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया, ऐसे कार्य किए, उनका आचरण ऐसा था जो ये संकेत रूप में ये बताता था कि उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है और किस मार्ग पर आगे बढ़ना है। वो कहते नहीं थे, करते थे, नित जिन वाणी माला जपते थे। आओ शांति मार्ग पर चले। आइए शांति सागर जी महाराज के बाल्यकाल की एक घटना का पे चर्चा करें, एक घटना पर बात करें। यह घटना शांति सागर जी महाराज के बाल्यकाल में उनकी जो मुनियों के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति को दर्शाती है। शांति सागर जी महाराज के अंदर बाल्यकाल से ही श्रद्धा, भक्ति और शक्ति तीनों का व्यापक समावेश था। ये तीन अद्भुत गुण विरले लोगों में होते हैं, श्रद्धा, भक्ति और शक्ति। वो मन से दिगंबर मुनि परंपरा के ध्वज प्रवाहक बन चुके थे। बाल्यकाल की वो अवस्था जिसमें बालक
बेफिक्री का जीवन जीता है, अपने संगी साथियों के साथ मनोरंजन और विभिन्न सुखों की कल्पना करता है, चर्चा करता है, बातें करता है। उस दौर में शांति सागर जी महाराज तत्व चर्चा करते थे। उनके आसपास धर्मावलंबियों की बैठक होती थी, विभिन्न धर्मों के लोग जैन अजैन उनके पास आते, धर्म चर्चा करते थे। एक विद्वत संगोष्ठी होती थी, एक धर्म चर्चा चलती थी उनकी मित्र मंडली में। ये बताता है कि वो किस तरीके से बाल्यकाल से ही धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गए थे, मजबूत हो गए थे या उस पथ पर आगे बढ़ चुके थे। उनका मन उधर रम गया था। वो एक मार्ग थे खुद में जो हमको मार्ग दिखा के गए। आओ शांति मार्ग पर चले, आओ शांति मार्ग पर चले। भोज गांव में जब कोई मुनिराज आते तो सात घोड़ा पाटिल उनकी सेवा में, उनकी आहारचर्या में, उनकी वैयावृत्ति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। मुनियों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, भक्ति थी और वो अपनी पूरी शक्ति से ये कार्य करते थे। चारित चक्रवर्ती ग्रंथ के अष्टम संस्करण के पृष्ठ संख्या 103 पर लिखित है, आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाल्यकाल में आदि सागर जी मुनिराज का उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव था। आदि सागर जी मुनिराज महातपस्वी मुनि थे। वे 7 दिन में एक बार आहार लेते थे, 7 दिन में एक बार आहार लेते थे और एक बार आहार में एक ही वस्तु को ग्रहण करते थे। अर्थात यदि गन्ने का रस तो फिर आहार में गन्ने का रस ही लेते थे, आम की ऋतु है आम तो फिर पूरे आहार में आम ही लेते थे। इतनी महान तपस्या और उनका ये क्रम आजीवन चला। और शांति सागर जी महाराज के जीवन में उनके बाल्यकाल पे इस त्याग का, इस तपस्या का गहरा प्रभाव पड़ा। जब आदि सागर जी महाराज भोज गांव आते तो सात कोड़ा पाटिल उन्हें आहार दान देते, मन से उनके साथ लगे रहते, उनके साथ जुड़े रहते। वे रात्रि में उनकी वैयावृत्ति करते, उनके चरण दबाते और उनके चरणों में ही सो जाया करते थे। अद्भुत था, वो मन से शायद मुनि बन चुके थे। उन्होंने संकेत दिया था कि मेरा स्थान कहाँ है, मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है। वो मन से बाल्यकाल में ही मुनि बन चुके थे। किंतु बंधुओं, जब प्रातःकाल होती तो एक वो जो भोर थी भोज गांव की, वो दिगंबर जैन इतिहास में सदैव स्वर्णिम पृष्ठों पर लिखी जाएगी। वो एक मार्ग थे खुद में जो हमको मार्ग दिखा के गए। दरअसल प्रातःकाल वे आदि सागर मुनिराज के साथ गांव से बाहर की ओर जाते
और भोज गांव में बाहर की ओर दूध गंगा और वेद गंगा नदी का संगम है। दो नदियां बहती हैं और उन दोनों नदियों का संगम है भोज गांव में। कहते हैं नदियों का संगम जहां होता है वो संकल्प का स्थान होता है। वो संकल्प भूमि थी और जब वो वहां जाते तो ये क्या करते थे? शांति सागर जी महाराज अपने कंधों पर आदि सागर मुनिराज को बैठाकर उस संगम को पार कराते थे। ये घटना एक ऐतिहासिक घटना थी। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना में एक अहम संदेश था, एक अहम संकेत था, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने वर्षों पहले दे दिया था। रात्रि में गुरुचरण और प्रातःकाल गुरु स्मरण अद्भुत था। सातगोड़ा पाटिल का, शांति सागर जी के बाल्यकाल का वो दर्शन, वो वैचारिक शक्ति, वो तपस्या, वो त्याग को समर्पण। बंधुओं, ये साधारण घटना नहीं थी, ये एक सोच का संकेत था। ये एक सोच का संकेत था जो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दे दिया था, वर्षों पहले दे दिया था। इस घटना ने युवाओं के लिए और समस्त एक पूरी पीढ़ी के लिए एक संकेत दिया, एक संदेश दिया। का पहला संदेश था, शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लो, क्या करना है इसका अतिशीघ्र निर्धारण करो और उस पथ पर चलो, उसी के अनुसार अपने चारों तरफ का आवरण रखो, अपने चारों अपनी मित्र मंडली, अपने सहायक का उसी अनुसार चयन करो। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बचपन में ही, बाल्यकाल में ही यह तय कर लिया था कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है। वे उसी अनुसार अध्ययन कर रहे थे, उनकी मित्र मंडली, उनके संगी साथी भी उसी अनुसार थे। संगति का जीवन में बहुत असर पड़ता है। बाल्यकाल में ही उन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि मुझे, हमें जाना कहां है, हमें करना क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमारी दिशा क्या है, और वो उस मार्ग पर चल दिए। वो मुनियों की शरण में गए। मुनियों की शरण में जाकर उन्होंने अपने मार्ग को बहुत नजदीक से देखा, उसे समझा। तो युवाओं के लिए संकेत रूप में उन्होंने संदेश दिया कि ये निर्धारित करो कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, और सूक्ष्मतम स्तर पर उसमें विशेष श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के साथ करना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपनी इस एक घटना से दूसरा संकेत दिया। उनका दूसरा संकेत था, त्याग से प्रभावित होना सीखो, त्याग से प्रभावित हो। त्यागी मुनि, त्यागी संत, त्यागी व्रतियों, त्यागी चरित्र के शरण में जाओ, क्योंकि त्याग में अपार शक्ति है। सातगोड़ा पाटिल, जो आचार्य शांति सागर जी का बाल्यकाल का नाम था, सातगोड़ा पाटिल स्वयं धार्मिक थे, विद्वान थे, वो धर्म चर्चा भी करते थे,
अर्थात वो धार्मिक अध्ययन भी करते थे, किंतु वो त्यागी मुनि तपस्वी आदि सागर जी महाराज की शरण में गए। उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने देखा, नेता अभिनेता व्यापारी उद्यमी हमें प्रभावित कर सकते हैं, हमें प्रभावित भी करते हैं, किंतु हमारी सोच के दायरे को यदि कोई व्यापक करता है, उसे कोई प्रसारित करता है, हमारी सोच को यदि कोई खोल सकता है, तो वो त्यागी वृंद ही है, वो तपस्वी संत ही हो सकते हैं, वो मुनि ही हो सकते हैं, क्योंकि वो न्यूनतम से जीवन के शिखर को, जीवन की सर्वोच्चता को हासिल करने की क्षमता रखते हैं। वो प्रत्येक परिस्थिति में साहस का परिचय देते हैं, वे व्यथित नहीं होते, तो उनकी शरण, मुनियों की शरण, त्यागी व्रतियों की शरण, तपस्वियों की शरण आपके अंदर एक साहस का, आपके अंदर एक हौसले का संचार करती है। युवाओं के लिए शांति सागर जी महाराज का ये संकेत और ये संदेश काफी अहम था, त्यागी मुनियों की शरण में जाओ, उनसे प्रभावित हो, उनके संपर्क में रहो, वो आपकी सोच के दायरे को खोलेंगे, उनकी चर्या, उनका जीवन, उनकी सोच, उनके वचन, उनकी आहारचर्या, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी संकल्प के प्रति दृढ़ता, उनका चीजों से विरक्त रहना, उनका अपरिग्रह, सब हमारे चिंतन को, हमारी सोच के स्तर को एक नए लेवल पे, एक नई ऊंचाई पे लेके जाते हैं। अतः वे खुद आदिसागर मुनिराज की शरण में गए, सातकोड़ा पाटिल खुद मुनिराज की शरण में गए, वो उनके संपर्क में रहे, और वो प्रभाव जो आदिसागर जी महाराज का उनके ऊपर पड़ा बाल्यकाल में, वो आदिसागर जी महाराज का तप था, वो उनकी कठोरता थी, वो उनकी उनका त्याग था, जिसने शांति सागर जी महाराज को बाल्यकाल में बेहद प्रभावित किया। एक दीप से अनेक दीप जलते हैं, इसी प्रकार एक त्यागी एक त्याग महात्याग को भी उत्पन्न कर सकता है। त्याग में अर्जन की अपार क्षमता होती है। ये संदेश था, ये संकेत था युवा मन के लिए। उनका तीसरा संदेश जो इस घटना के अंदर गूढ़ता से छिपा हुआ है, ये संदेश कोई महान विचारक, कोई महान दार्शनिक या कोई ऐसा व्यक्तित्व ही ऐसा संकेत दे सकता है जो अत्यंत दूरदर्शी हो और जिसे ये विश्वास हो कि इस कार्य को तो मैं कर ही दूंगा। ये कार्य चाहे मार्ग कितना लंबा हो, समय कितना लगे, किंतु ये कार्य तो मैं कर गुजर ही जाऊंगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जब दूध गंगा और वेद गंगा नदी को पार किया, उस संगम को पार किया, ये वो दौर था जब भारत आधुनिक और पौराणिक दोनों समय को एक साथ देख रहा था, और सरलीकरण के इस दौर में वो दोनों समय आपस में मिल रहे थे, और वो समय का संगम था, और उस संगम में बहुत तेजी से सब बह रहे थे। सरलीकरण सभी को पसंद आता है, सरलता आगे बढ़ाती है, आगे लेके जाती है, सरलता सुविधा देती है, तो सब उस सुविधाजनक माहौल में आगे बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो नदी का बहाव नहीं था, वो समय का बहाव भी था जो बहुत तेजी से आगे जा रहा था। ऐसे समय में आचार्य शांति सागर जी ने निर्णय लिया, मैं इस भाव में नहीं भागूंगा, मैं वही करूंगा जो आगम के अनुरूप है, मैं अपनी चर्या को नहीं छोड़ूंगा।
सातगुड़ा पाटिल ने संकेत दिया कि इस समय में नहीं बहना है, समय बहे तो बहे, ये आपस में मिले तो मिले, पर मैं तो वही हूं जो हमारी परंपरा में है, जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे जिनवाणी में है, जो हमारी आगमचर्या में है। आचार्य शांति सागर जी का इस घटना में छिपा ये संदेश एक महान विचारक, एक महान दार्शनिक, एक महान संत, एक महान तपस्वी, एक महान सोच और एक महान व्यक्तित्व का परिचायक था। महान थे ऐसे संत, महान थे ऐसे विचारक, महान थे ऐसे मुनिराज, महान थे ऐसे आचार्य, महान थे उनका संकल्प और महान था उनका आचरण, महान थे उनके विचार, महान थी उनकी छोटी छोटी क्रियाएं, महान थी उनकी घटनाएं। वो कहते नहीं थे, करते थे। उन्होंने अपनी करनी से संकेत दिए, उन्हें हमें समझना होगा। बंधुओं, आचार्य शांति सागर जी महाराज का ये मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष है, ये स्वर्णिम अवसर है हम सभी के लिए। आचार्य श्री की घटनाओं पर हम चर्चा करें, उनकी भक्ति करें, उनके उपकारों का स्मरण करें, उन्हें प्रातः वंदन करें, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी घटनाओं पर विचार विमर्श करें, उस पर चर्चा करें। शायद यह भी उनके लिए हमारी भक्ति का एक मार्ग हो सकता है। उनके स्मरण मात्र से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। हमारा प्रयास है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ के माध्यम से जानने का प्रयास करें। आप स्वयं पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उसे अपने घर पर रखें, अपने पूजा स्थल पर रखें। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन एक ज्योति के समान है जो हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है। मैं पुनः फिर आऊंगा एक नई घटना के साथ, एक नए विचार के साथ, आचार्य श्री के जीवन से जुड़े एक विशेष पहलू के साथ, एक नई बात के साथ। उद्देश्य यही होगा कि इस वैचारिक यात्रा में आप सभी को जोड़ूं, आप सब के साथ आगे बढ़ूं। यदि आप हमें कोई सुझाव, कोई बात, कोई विचार बताना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। पुनः फिर आऊंगा। जय जिनेंद्र, नमस्कार। आओ शांति मा।